वेलकम बैक टू आवर चैनल बेबी टूटू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है त्यौहार जेठौनी त्यौहार। हमारे यहाँ जेठौनी के त्यौहार मनाई जाती है छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ का त्यौहार है, सभी जगह पे नहीं मनाई जाती। तो मैंने स्पेशली ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। आज मैं बहुत बिजी थी गाइस, मुझे कैमरा पकड़ने का टाइम नहीं था, पर फिर भी मैंने जैसे तैसे करके आप सभी के लिए वीडियो बनाई है। तो आप सभी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। आई होप सब आप इन्जॉय करें, आपको कुछ नया देखने को मिले, अच्छा लगे कुछ। और चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे गोबर का ये जो घर जैसे बना रहे हैं ना, कुछ प्योर गोबर की ही बना रहे हैं। इसको गोबर से बनाना होता है घर जैसे, और इसकी पहली पूजा होती है। इसके बाद में हमारे यहाँ पे कुछ भी पकवान बना सकते हैं। मतलब जो छत्तीसगढ़ के पकवाने होते हैं वो सारे कुछ भी बना सकते हैं। सब अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बनाते हैं। लेकिन एक मीठा और एक नमकीन गायों के लिए बनाया जरूर जाता है, क्योंकि उनको आज खाना खिलाना होता है ना, तो उनको एक मीठा और एक नमकीन कुछ भी दिया जाता है। हम देते हैं बड़ा और सुहारे की रोटी बोलते हैं वो। हम सब बहुत बिजी रहते हैं पूरे घर वाले। हमारे मायके में अलग होता है, हमारे ससुराल में अलग होता है। हमारे ससुराल में कुछ कुछ अलग होता है ना, अलग अलग जगह है तो अलग अलग। फ्रेंड्स ये लोकल त्यौहार होता है और इसमें शायद छुट्टियाँ भी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे गाँव वाले बहुत ही चाव के साथ मनाते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। बहुत ही खुशी का दिन होता है। और इस दिन देखो हम इतने दूर से भी गए अपने घर पर बनाने के लिए, अच्छा लगता है ना। और इस दिन एकादशी होता है, एकादशी तो इस दिन उपवास भी रहते हैं, कोई भी उपवास रह सकता है। जैसे मेरे हस्बैंड आज थे और मेरे एक देवर भी थे, दोनों हर साल उपवास रखते हैं इस दिन एकादशी का उपवास। हमारे गैया को भी इसी दिन खाना खिलाते हैं। गौ पूजा होती है यहाँ पे, गौ पूजा के साथ में जो उनको जो चावल दाल और जो रोटियाँ खिलाई जाती है ना, उसके साथ क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो आप? बड़ा। क्या है वो? कौन बना रही है बड़ा? मम्मा। मम्मा और आज क्या त्योहार है? जेठौनी। हाँ हाँ तो गाइस मैं क्या बोल रही थी, तो गैया को खाना खिलाया जाता है ना, उसके जूठा को खा के ये लोग अपना व्रत तोड़ेंगे जो जो उपवास है। ये जूठी लिख रही है यहाँ पे, देखिए ये जूठी चावल के आटे से, मतलब चावल को पहले फुलाया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है। वो जो पेस्ट बनती है ना पतली सी, उसी की किसी कॉटन के कपड़े डुबा के इसको ऐसे फूल बनाया जाता है, फूल या लक्ष्मी पाँव बनाते हैं। देखो गैया के पाँव के निशान बनाते हैं। ये देखिए गैया के पाँव के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे ही होते हैं ना। तो ये चारों तरफ बनाए जाते हैं फ्लावर के चारों तरफ। जो मेन गेट होता है वहाँ से होते हुए लेके आते हैं अपने घर आंगन तक, जहाँ पे काऊ को, जहाँ पे गैया सबको खाना खिलाया जाता है। तो ये हमारा गेट है, तो ये गेट से होते हुए देखिए गैया के पाँव के निशान है। ये सीधे घर के अंदर आते हुए बनाते हैं और बीच आंगन में इसको बनाते हैं, और बीच आंगन में फिर गैया सबको पूजा करके खाना खिलाया जाता है। ये सब आपको थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। तो बड़ा बड़ा बनाना होता है, जो भी तेल वेल की चीज़ें बनानी होती है वो सब बाहर में ही करते हैं। जैसे हमारा बड़ा वाला चूल्हा है, मिट्टी के चूल्हा में ही बनाते हैं त्यौहार की रोटी को। इसीलिए हमने ऐसा पहले से हमारे घर वालों ने व्यवस्था किया हुआ है कि जो भी त्यौहार आए और उसमें रोटी छोटी जो भी बनाने होते हैं तो वो सब वहीं पे चूल्हा रखा हुआ है, उसमें हम सब बनाते हैं। गोवर्धन ऐसे ही बना है। फ्रेंड्स गायों को खाना खिलाने से पहले उनके पाँव को धोया जाता है, थोड़ा सा ऐसे पानी छिड़का जाता है, नियम है बस। में उनको सबको पूजा वूजा करते हैं, देन गन्ना सबकी पूजा भी हो जाती है, देन इनको खाना खाने के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। खाने में स्पेशल ये होता है कि इनकी जो दाल होती है ना, चावल तो चावल ही ऐसे हम खाते हैं नॉर्मली, और दाल में कुछ स्पेशल ये होता है कि उसमें ना अरबी को डाला जाता है, अरबी और उड़द की दाल
उड़द की दाल जरूरी है, घर भी मतलब कोचाई को भी डाला जाता है। जो दाल होता है ना एकदम फिसलन होता है, एकदम चिकना सा, क्योंकि उसमें अरबी डाले रहते हैं और उड़द दाल तो वैसे भी फिसलने वाला होता है। तो सारे दाल बहुत टेस्टी लगते हैं। केले के पत्ते में दिया जाता है, देखिए केले के पत्ते में दिया जाता है। केले के पत्ते को यूँ बिछा देते हैं और फिर उसमें दाल और चावल को अच्छे से मिक्स करते हैं। देन उसमें जो मीठा और नमकीन के लिए रोटियां बनाई गई होती है ना, वो भी इसके साथ में मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है अच्छे से। और इसको चावल जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है, उसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर इधर उधर कर रहे हैं, देख सकते हैं सब के सब लगे हुए हैं। और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद में गायों को यहाँ पे बुला के खाना खिलाएंगे। जैसे ही खाना खाने लगेंगे ना काउस, वैसे ही ये जो उपवास रहते हैं ना, वो उनके जूठा को ये जितना भी खाना चाहे उनके साथ में खा सकते हैं। बाकी घर वालों के लिए भी थाली में थोड़ा सा निकाल दिया जाता है, ताकि हम बाकी लोग भी थोड़ा सा गायों के जूठा को खा लें अपने खाना के साथ में। सबके खाना खाने के बाद हम भी खाना खाते हैं पूरे घर वाले। चाहे तो केले के पत्ते में खा सकते हैं, चाहे तो थालियों में खा सकते हैं। और वो सब खाने के बाद में हम गन्ने की भी पूजा होती है, तो गन्ने भी खाते हैं खाना वाना खाने के बाद रात के टाइम पे, अगर खाना चाहे तो। ये कोई नियम नहीं है, वैसे हम लोगों ने खाया था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ भी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो पे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, बाय।